जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। मित्रों, रोज की भांति आज फिर पुनः मैं आपके लिए आज का राशिफल, आज का पंचांग और आज के उपाय लेकर के आया हूं। तो हम लोग बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। अंग्रेजी तारीख 4 अगस्त 2017, विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है श्रावण का, तिथि है शुक्ल पक्ष की द्वादशी, शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है मूल, योग है वैदृतिक, करण है बालव और आज की तिथि, पर्व और त्यौहार है प्रदोष व्रत, वर लक्ष्मी व्रत। अब बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, आज आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको यश न मिले इसकी संभावना ज़्यादा दिखती है। आप प्रतियोगियों को परास्त करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को प्रबल कर पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको करना चाहिए। किसी पर अति विश्वास न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 7 और शुभ रंग बनता है लाल। अब बारी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आज पिता या उच्चाधिकारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। भूमि भवन विषयों के क्रय विक्रय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की तिथि में हनुमान आराधना करना आपके हित में होगा। किसी की बुराई न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 1 और शुभ रंग बनता है कत्थई। अब बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोग, आज परिवार से उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। वाहन सुख प्राप्त करने का भी आज बहुत उत्तम योग आपके लिए दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपके हित में होगा। यात्रा करने से आज आप बचें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 4 और शुभ रंग बनता है भूरा। मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले उपाय के बारे में। और पहला उपाय है मनोवांछित वर या वधु पाने के लिए। मेरे YouTube चैनल पर जो सबसे ज़्यादा कमेंट आता है वो आजकल के युवाओं का आता है, अफेयर्स का, लव अफेयर्स का, रिलेशनशिप का मामला आता है, और जो ईमेल आता है वो भी इसी से रिलेटेड आता है। तो मन इच्छित वर या वधु पाने के लिए आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। उसका तरीका ये है कि 5 मीठे पान बनवा करके शिव मंदिर में सबसे पहले गणेश जी को, फिर माँ पार्वती को, तीसरा पान स्वामी कार्तिकेय को, चौथा पान नंदी देवता को और पांचवा पान शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। ऐसा उपाय आप सोमवार के सोमवार लगातार करते रहें। बहुत जल्दी ही आपकी मनोकामना भगवान शिव पूरी करेंगे। अब बारी कर्क सिंह और कन्या राशि की। कर्क राशि, अत्यधिक कार्य के दबाव में स्वास्थ्य प्रभावित होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। निवेश के लिए जल्दीबाजी न करें। सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। सरसों के तेल और उड़द का दान करने से आपको फायदा मिलेगा। परिवार की जिम्मेदारियों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 9 और शुभ रंग बनता है केसरिया। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोग, आज आप पूरे परिवार के साथ मनोरंजन के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। अपने व्ययों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति को सहयोग मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। दबाव में आकर के कोई बड़े निर्णय न करें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 3 और शुभ रंग बनता है लाल। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्य क्षेत्र के दबाव से व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। धन का संचय भी थोड़ा कर पाएंगे। ऋण चुकाने के लिए आज आपको उत्तम अवसर प्राप्त होगा। बच्चों को अध्ययन सामग्री का वितरण करना,
भगवान गणेश का पूजन करना आपके हित में होगा। किसी का बुरा सोचने से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 2 और शुभ रंग बनता है पीला। अब बात करेंगे आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की और उसके साथ साथ मूत्र संबंधी रोग की। तो अगर कोई गुर्दे के विकार से आप पीड़ित हैं या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। मूत्र संबंधी रोगों में या गुर्दे के विकार को दूर करने के लिए 4 रत्ती मूंगा और 3 रत्ती का नीलम संयुक्त रूप से बनवा करके आपको धारण करना चाहिए। इसको मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में पहनना चाहिए। इससे आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम में काफी लाभ मिलेगा। अब बारी तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोग आज धन की कमी महसूस कर सकते हैं। संचय करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अधिक व्यय और निवेश ठीक नहीं है। आज मित्रों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे। लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, किसी को अपशब्द न कहें। आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है नीला। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। भाग्य या धर्म के सहयोग से परिवार से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव की आराधना आपके लिए शुभ फलित होगी। जल्दीबाजी किसी भी काम में मत दिखाइए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 5 और शुभ रंग बनता है हरा। अब बारी धनुराशि की। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले तनाव और विवाद का कारण बने रहेंगे। आपके शत्रु आपके बने हुए कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। शत्रुओं पर अपना प्रभाव बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा। आज के दिनचर्या में भाई को प्रेम दें, गलत मित्रों की संगत से दूर रहें। शुभ अंक बनता है 6 और शुभ रंग बनता है गुलाबी। अब बारी तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय यह है कि घर के उत्तर पूर्व के कोने में यदि तांबे या पीतल के किसी पात्र में अगर गंगा जल भर के रखा जाए तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे ईशान कोण का जो दोष है वह समाप्त होगा तो परिवार में सुख शांति आएगी। तो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में तांबे या पीतल के पात्र में गंगा जल भर करके रखा करिए। अब बारी मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि, परिवार और घर गृहस्थी के कार्यों में आप आज व्यस्त रहने वाले हैं। पुरानी रुकी हुई योजनाएं आज आपको लाभ दे सकती हैं। राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना आपके हित में होगा। अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 2 और शुभ रंग बनता है सफेद। अब बारी कुंभ राशि की। हर प्रकार के लाभ के मामले बाधित होंगे। कुछ योजनाओं में घाटा भी सहना पड़ सकता है। तो बहुत बड़े निर्णय जो है वो सोच समझ करके और सबके सहयोग से करें तो ही ज्यादा अच्छा होगा। गुरु की सेवा करना, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना आपके हित में होगा। यात्रा करने से बचिए। आपके लिए शुभ अंक बनता है 8 और शुभ रंग बनता है खाकी। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऋण प्राप्ति से धन संबंधी योजनाएं पूरी होंगी। भगवान कृष्ण की आराधना करें। असमय भोजन, बाहर का अशुद्ध भोजन आपको करने से बचना चाहिए। आज आपके लिए शुभ अंक बनता है 9 और शुभ रंग बनता है गेरुआ। तो मित्रों, अब हम लोग आ गए हैं आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की। और आज के महा उपाय में हम लोग बात करेंगे सरल उपायों से कैसे आप दरिद्रता दूर कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का हर संभव प्रयास करता है। इन प्रयासों में से कुछ व्यक्ति सफल हो जाते हैं और कुछ सफल नहीं हो पाते। जो सफल नहीं हो पाते वो और अधिक प्रयास करते हैं। आज हम आपको यहाँ कुछ ऐसे ही उपाय और टोटके बताने जा रहे हैं जिनको करने के बाद यदि आप प्रयास करेंगे तो आप निश्चित सफल होंगे। फिर उसमें कोई संदेह या कोई डाउट नहीं रह जाता। करना यह है कि प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करने से आर्थिक संपन्नता और वृद्धि प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को घर में श्री सूक्त की ऋचाओं के साथ आहुति देने से यानी हवन करने से दरिद्रता दूर होती है। भोजन करने से पहले पहला निवाला, पहला कौर गाय को, कुत्ते को और कौवे के लिए एक रोटी निकाल देना, यानी एक रोटी के 3 हिस्से या 4 हिस्से कर देना। एक पहली रोटी अपनी थाली से या रसोई में जो गैस पर बने उसको निकाल देना, ये शुभ होता है। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
चौथा उपाय ये कि महीने के पहले बुधवार को रात में कच्ची हल्दी की एक गांठ को बांध करके भगवान कृष्ण को समर्पित करें। अगले दिन उसे पीले धागे में बांध करके अपनी दाहिनी भुजा में राइट हैंड में आप बांध लीजिए। पांचवा उपाय ये कि गूलर की जड़ को कपड़े में लपेट करके चांदी के कवच में डाल करके यदि आप गले में पहनते हैं तो इससे भी आर्थिक संपन्नता आती है। अपनी तिजोरी में 9 लक्ष्मी कारक कौड़ियां और एक तांबे का सिक्का रखने से आपकी तिजोरी में धन सदैव भरा रहेगा। नियमित रूप से केले के पेड़ में जल अर्पित करने से और घी का दीपक जलाने से भी दरिद्रता दूर होती है। शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रखें। अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल के गुलगुले, या जिसे हम लोग आम भाषा में बड़े कहते हैं, बड़े बना लें। उसको बनाने के बाद गाय को, कुत्तों को, गरीबों को खिलाने से दरिद्रता और गरीबी दूर होती है और लक्ष्मी आगमन का रास्ता खुलता है। ये उपाय श्रद्धा पूर्वक करने पर आपको कुछ ही समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में निश्चित ही चमत्कार दिखाएंगे। इन उपायों को यदि आप प्रयोग में लाएं तो जीवन में आ रही आर्थिक समस्या से बहुत आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है। तो इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, आप मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। लेकिन जाने से पहले आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी इसी जगह जिस चैनल का नाम है वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।